हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल सविता किचन में फिर से स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था अपना बेबी का हेल्थ केयर के बारे में, जो भी सफ़र है मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं उनके साथ में शेयर करूँ। तो मैं सोची क्यों ना मैं जो भी न्यू कॉमर्स मम्मी हैं, जिसके न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं और जो भी एक साल के अंदर में हैं, उनको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ताकि उन लोगों के भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। मैं जन्म से लेके एक साल के अंदर में मंथ बाय मंथ मैं आप लोगों को अपना देव का मेरा बेटा मैं इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। मेरा बेटा का नाम है आयुष्मान साहू और उसका निक नेम है देव। उसको अभी 19 मंथ हो रहा है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 3 जनवरी 2022। वो CS का माध्यम से हुआ है। तो मैं शुरू करती हूँ उसका मंथ बाय मंथ, उसका डेवलपमेंट, उसका जो भी है डाइट में आप लोगों को बताती हूँ ताकि आप लोगों को भी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए। सबसे पहला जन्म में उसका बर्थ वेट था 2 kg और 70 ग्राम। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई तो सिर्फ उसको मैं फीडिंग ही देती थी, वेस्ट मिल्क उसको मैं पिलाती थी। उस टाइम में जन्म के समय में मैं कुछ भी उसको बाहर का जो फॉर्मूला मिल्क होता है उसको मैं कभी भी उसको उस टाइम में दी नहीं थी, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का इनसफिशेंट हुआ नहीं था उस टाइम में। पहला मंथ में मेरा बेटा का जो केयर है, मैं पहले वो उसको बहुत ज़्यादा साफ रखती थी, डायपर पहनाती थी, उसको नैपकिन का मैं यूज़ बिल्कुल भी नहीं की हूँ। डायपर बोलने से मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कोको का डायपर हमें थोड़ा सा कम प्राइस में मिलता था तो मैं उसको ही यूज़ करती थी। उसका क्लीननेस का बात करूँ तो मैं उसको डेली सुबह में 6-7 दिन के बाद में उसको मैं नहलाना शुरू की हूँ। टिल डेट तक मैं उसको डेली ही उसको नहलाती हूँ, एक दिन भी स्कीप नहीं की हूँ। जैसे कि उसको सुबह में एक बार प्रॉपर बाथ देती थी, इवनिंग का टाइम में उसको मैं गीला कपड़ा करके उसको पोंछ देती थी। उसका मसाज बोलूँ तो मैं दिन में 2 बार मसाज करती थी। स्लीपिंग का टाइम बोलूँ तो मैं 24 आवर्स में वो 22 आवर्स से 23 आवर्स तक भी सोता था। बस एक ही घंटा बीच में आधा घंटा या तो 10-15 मिनट के लिए उठता था, उसके बाद में फीडिंग लेके फिर से सो जाता था। सेकेंड मंथ में उसका स्लीपिंग का टाइम बोलूँ तो मैं वही 22-23 घंटा ही सोता था और ब्रेस्ट फीडिंग ही उसको मैं देती थी। फर्स्ट और सेकेंड मंथ में लगभग समान जो भी होता है उसका समान होता है। बर्थ वेट उस टाइम में थोड़ा सा कम घट गया था पहला मंथ में, फिर दूसरा मंथ में आधा किलो जैसे उसका थोड़ा सा और बढ़ा था। सेकेंड मंथ में मैं उसका इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना चाहती हूँ। सेकेंड मंथ में मैं गवर्नमेंट का इस टाइप का मुझे कार्ड मिला हुआ था जो कि मैं लेके आंगनबाड़ी में दिलवाती थी। वहाँ पर ANM दीदी हॉस्पिटल से आते थे, मैं उन्हीं के पास में दिलवाई हूँ। 1.5 महीना में मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन सा वैक्सीन उसको दिलवाए हैं। जन्म में उसको BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज उसको मिला था। 1.5 महीना में मैंने उसको OPV 1 और रोटा वायरस 1, देन पेंटा 1 जो कि डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी HIV उसका वो कॉम्बिनेशन रहता है वो वैक्सीन था। पेंटा 1 और IPV कुछ मिला था और PCL मैं ये 1.5 महीना में उसको दिया गया था। देन थर्ड मंथ का बात करूँ, थर्ड मंथ में थोड़ा सा वो उसका स्लीपिंग टाइम में बोलूँ तो थोड़ा सा उसका नींद कम हो गया था। इसी बीच में वो स्लीपिंग का ही मैं बता रही हूँ, वो रात को बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता था क्योंकि दिन में सो जाता था, इसीलिए वो रात को बहुत जगे रहता था। मतलब क्या, मैं कभी कभी ऐसे बोलती हूँ कि वो रात भर भी नहीं सोता था। कभी कभी ऐसा दिन गया है कि सुबह 5 भी बज जाएगा लेकिन वो सोएगा नहीं। जैसे थोड़ा सोएगा उसको मैं बेड में सुला दूंगी, फिर से उठ जाएगा। तो ऐसे ही करता था बच्चा। और उसका डाइट के बारे में बोलूँ तो सेम मैं ब्रेस्ट फीडिंग देती थी। उस टाइम में उसका 0.5 किलो 1 किलो जैसे लगभग उसका बढ़ गया था। मैं वेट भी यहाँ पर मेजर करके रखी हूँ, मेंशन करके यहाँ पर रखी हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वेट कितना उसका डेवलप हुआ था। फर्स्ट मंथ में 2 किलो 70 ग्राम था, देन सेकेंड मंथ में 3 किलो 170 ग्राम हुआ था।
थर्ड मंथ में उसका 4 किलो 500 ग्राम हो गया था। तो ऐसे ही डेवलपमेंट में मैं उसका बस फीडिंग में ही उसको रखती थी, प्रॉपर उसको क्लीननेस करवाती थी उसको। मैं फिर दोबारा बोली हूँ कि मैं उसको बिना नहलाए मैं कभी भी नहीं रखती हूँ, चाहे ठंडा हो या बारिश हो, चाहे तो समर हो, मैं उसको हमेशा डेली डेली नहलाती हूँ। ऐसा कि उसका तबीयत खराब होने से भी उसको मैं नहलाती हूँ। नहलाने के बाद मैं इतना इंपोर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जितना आप लोग क्लीन रखेंगे बच्चा उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही स्वस्थ रहेगा, उसको उसको तबीयत खराब माने बहुत ही कम होगा। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ डेली उसको बात देने के लिए। देन थर्ड मंथ का मैं बात करूँ तो सेम उसका वैसा कुछ चेंजेस नहीं था, वैसे ही 20-22 घंटा तक सोता था। देन फोर मंथ का बात करती हूँ मैं। फोर मंथ होते होते वो थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा, बहुत ही छोटा दिखता था पहले और उस टाइम में थोड़ा सा बड़ा दिखने लगा। फिर एक्चुअली मैं मसाज 2 टाइम करती थी, कभी कभी 3 टाइम करती थी। तो मसाज में एक्चुअली बच्चे को बहुत फुर्ती मिलता है, उसका मसल्स डेवलपमेंट करता है, बोन स्ट्रांग बनता है। तो मसल उसका मसाज जो है उसको डेली डेली देना चाहिए, एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहिए। मैं बाहर में कोई दाई और किसी को मैं बुलाई नहीं थी, तो मैं खुद ही मसाज करती थी उसको। इसी बीच 2.5 मंथ में और वैक्सीन देना था, और एक वैक्सीन देना था उसको, मैं बता रही हूँ आप लोगों को। उस टाइम में मुझे OPV2 का वैक्सीन देना पड़ा, रोटावायरस 2 का और Penta 2, ये 3 वैक्सीन मैं दिलवाई थी। वैक्सीन देने का टाइम में बहुत बच्चों को फीवर आता है, वैसे स्टार्टिंग में जब मैं 1.5 महीना में दिलवाई थी उस टाइम में जब दिलवा के लाई हूँ, और मान लीजिए 12 बजे आसपास मैं उसको वैक्सीन दिलवा के लाई हूँ, तो शाम को 4-5 बजते बजते उसको फीवर जैसे आ गया था। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके PCM का सिरप रखी थी, तो मैं वो PCM सिरप में डॉक्टर के अनुसार मैं उसको दे दी थी। तो उसको ज़्यादा पेन हुआ था तो मैं क्या करती थी, पिलो का नीचे में उसका पैर रख के मैं इसे सुला देती थी। फिर 2.5 महीना में उसको जैसे दिए उस टाइम में उसका फीवर नहीं हुआ, फिर भी मेरा घर में हमेशा मेडिसिन अवेलेबल रहता है, तो मैं उसको देखी फीवर आया नहीं तो मैं उस टाइम में उसको मेडिसिन नहीं दी। मेडिसिन अक्सर बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। 4 मंथ आते आते वो थोड़ा सा, मैं जैसे कि बोली आप लोगों को, थोड़ा सा बड़ा हो गया। उस टाइम में पकड़ने के लिए मुझे अच्छा लगता था, जब जन्म हुआ तो बहुत ही छोटा था। 4 मंथ आते आते उस टाइम में मुझे थोड़ा सा ब्रेस्ट मिल्क का मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा सा फ्लो कम हो रहा है। उस टाइम में मैं डॉक्टर से कंसल्ट करके मैं सिमिलाक एडवांस का मैं उसको स्टार्ट की थी, 4 से लेके 4.5 मंथ तक। उस टाइम में मैं डॉक्टर से पूछी कि मतलब अभी फीडिंग थोड़ा सा कम हो रहा है और रात को सो नहीं रहा ठीक से, देन उसको ज़्यादा भूख लग रहा है, उसका पेट नहीं भरा है शायद। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि फॉर्मूला मिल्क आप दे सकते हो। तो मैं उस टाइम में सिमिलाक एडवांस मैं उसको स्टार्ट की थी, मैं दी, मुझे कोई बोला नहीं। मैं बहुत सारा सर्च की गूगल्स में, यूट्यूब में, और मैं सर्च करने के बाद में मुझे सिमिलाक एडवांस मुझे पर्सनली अच्छा लगा, तब मैं जाके उसको दी। आप लोग अपना अकॉर्डिंग आप लोग जो चाहें, चाहे तो नानफ्रो, बहुत सारा फॉर्मूला मिल्क अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि लैक्टोजेन फॉर, देन आपका नानप्रो और एसेट्रा जो भी है, आप लोग आपके अनुसार दे सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। देन 4.5 महीना में मुझे ऐसे ही, तो घर वाले भी एडवाइस करते हैं कि क्या देना है क्या नहीं देना है, बोलते हैं कि पानी भी नहीं देना है, पर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से पूछ के, या तो कोई मुझे बता दिया तुम ये कैमरा में ये बोलो, ऐसा नहीं है। मैं एक माँ होने के नाते मैं अपना बेटा को कैसे केयर की हूँ मैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। उस टाइम में 4.5 मंथ में, सॉरी मैं वैक्सीनेशन के बारे में भूल गई थी, 3.5 मंथ में, 3.5 महीना में देन थर्ड वैक्सीनेशन था। उस टाइम में क्या मिला था, OPV3 का डोज दिए थे, देन रोटावायरस 3 का डोज, देन Penta 3 और IP भी कुछ सिरप था, ऐसे कुछ दिया हुआ था। ये 3.5 महीना का था। तो मैं वैक्सीनेशन करवा के लाई, उस टाइम में भी फीवर नहीं आया था, बहुत अच्छा से एब्जॉर्ब हो गया उसका, थाई में दिए थे इंजेक्शन, तो उस टाइम में थोड़ा ज़्यादा रोया था। वैसे ही इंजेक्शन सबको दर्द होता है, तो मुझे भी दर्द होता है, मेरा बच्चा को भी दर्द हुआ था, उस टाइम में थोड़ा सा रोया था ज़्यादा। देन मैं फीडिंग के बारे में बात करी थी, तो उस टाइम में मेरा ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा सा फ्लो कम हो गया था, मैं सिमिलाक एडवांस का मैं स्टार्ट की थी।
देन घर वाले मुझे मेरे मेरे ससुराल में जो भी है वो और मेरा मम्मी मुझे एडवाइस करने लगे, एडवाइस किए और मैं भी उसको फॉलो की। बोले साबूदाना उसका पानी देने के लिए, साबूदाना का पानी मैं भी देती थी। कैसे, उसको एक चम्मच साबूदाना को मैं पानी में भिगा के उसको मैं बॉयल करके उसका पानी को मैं छन्ना से छान लेती थी। उसके बाद में उसी में सिमिला को मिला के एकदम थिन लिक्विड जैसे मिल्क बनाते हैं वैसे ही बना के उसको मैं एक चम्मच दो चम्मच पहले पहले बहुत ही थिन बना देती थी, सिमिला मिला के उसको मैं देती थी। उसके बाद में देखी जैसे उसका कुछ रिएक्शन हुआ नहीं, वो टोटल जैसे एब्जॉर्ब मैंने जैसे डाइजेस्ट करने लगा, तो मैं 5 मंथ होते होते उसको मैं प्रॉपर साबूदाना का पानी में पहले ही देती थी। उस टाइम में सिमिला के साथ में बीएम के साथ में और फॉर्मूला मिल्क भी मैं देती थी। 4.5 महीना से लेके 5 महीना तक मेरा बेटा पलटने लग गया था, थोड़ा थोड़ा पलटता था। उस टाइम में देख के स्माइल स्माइल करना मतलब 3 महीना से ही स्टार्ट कर दिया था। जन्म से तो स्माइल करता था पर प्रॉपरली 3 महीना से स्माइल करना स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था उस टाइम में। उस टाइम जब बच्चा आपका आपको देख के स्माइल करेगा, आप जब उससे बातें करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा फीलिंग्स आएगा, और बच्चा जब आपको देख स्माइल करेगा ना, उस टाइम में मन को एकदम सुकून लगता है कि हाँ मेरा बेटा या मेरा बेटी मुझे देख के स्माइल कर रहा है। आप जितना हो सके बच्चों के साथ में बात कीजिए, वो आपका बात समझेंगे, आपको आप उसको इंडेक्स करेंगे तो वो भी आपको देख के रेस्पॉन्स करेगा। तो वैसे ही करता था देव 4.5 5 महीना 5 मंथ में तो मैं प्रॉपरली उसको साबूदाना का पानी ही सीख देती थी। साबूदाना का पानी बोले से उसमें से मिला के ही मैं 5 मंथ तक उसको दी हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं दी हूँ। देन 5 मंथ आते आते 5 मंथ कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 6 मंथ जैसे आया, मैं उस टाइम में डाइट का ही मैं स्पेशली मैं बता रही हूँ। 6 मंथ में मैं उसको दाल का पानी, मैं घर में दाल बनाती थी, दाल का पानी मैं उबाल के उसका जो पानी होता है क्लियर सूप जो होता है उसको मैं देती थी, पिलाती थी। वो भी बहुत ही टेस्टी, मैं एक्स्ट्रा नमक नहीं मिलाती थी, थोड़ा ही नमक डाल के उसको बॉईल करती थी। बॉईल करने के बाद में जो पानी होता था मैं उसको पिलाती थी, और मेरा बेटा देव वो दाल का पानी पीने के लिए वो बहुत ही मैंने उसको अच्छा लगता था, क्योंकि मिल्क हमेशा मीठा रहता है, उसको पी पी के शायद उसको अच्छा नहीं लगता, अच्छा तो लगता है पर उसको अच्छा लगता था दाल का पानी। तो मैं दाल का पानी 6 मंथ में स्टार्टिंग में स्टार्ट की उसको। देन उसका राइस सेरेमनी हुआ। राइस सेरेमनी में होने के बाद में उसको मैंने प्रॉपर डाइट में उसको मैं स्टार्ट कर दी, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क में बस सुसु करने से उसका सारा जो है फीडिंग जो उसका लिक्विड जो है निकल जाएगा, फिर से बच्चा को भूख लग जाएगा। इस टाइम में इस दौरान मैं उसका स्लीपिंग टाइम बता देती हूँ। इस टाइम में सोता था वही 18-20 घंटा तक वो सोता था, 3-4 घंटा दिन भर में होल डे में 3-4 घंटा वो जगे रहता था, खेलता था और पलट जाता था कभी कभी। बहुत मुश्किल में दोनों साइड तकिया लगा के उसको रखती थी, फिर भी बीच में एक बार गिर गया था, बेड से नीचे गिर गया था तकरीबन 6 मंथ में। तो मैं उस टाइम में बहुत ही मेरे को दुख लगा था, इसलिए मैं उसको कभी भी अकेले छोड़ के एक सेकंड के लिए भी मैं बाहर नहीं जाती। अगर मैं जाती थी बाहर बाथरूम वगैरह कहीं जाना पड़ता था तो मैं उसको सामने वाला घर में उसको नीचे बिस्तर करके बिस्तर डाल के उसी में मैं उसको सुला के मैं बाथरूम जाती थी। इस टाइम में मैं डाइट डाइट के बारे में बताना चाहती हूँ। तो राइस सेरेमनी होने के बाद में मैंने उसको खिचड़ी, सबसे पहला है कि खिचड़ी सब सब्जी मिला के सब्जी और दाल चावल मिला के मैं कुकर में 4-5 सीटी मार देती थी। उसके बाद में वो बॉईल होने के बाद में प्रॉपरली मैं लहसुन का 1 कली और बस 1 इंच एक पिंच जैसे जीरा जीरा को छौंका लगा के जो छन्ना होता है छान के उसमें जो प्योरी बनता था उसका छानने के बाद में जो प्योरी निकलता था उसमें थोड़ा सा पानी मिला दी थी और जो थीन करके उसको मैं खिलाने का कोशिश करती थी। स्टार्टिंग स्टार्टिंग वो थोड़ा खाया नहीं 2-3 दिन, उसके बाद में वो खाने लग गया। उसके बाद में डाइट में मैं क्या देती हूँ, 6 महीना में उसको मैं ओट्स स्टार्ट की थी। ओट्स को मैं पहले क्या करती, मैं उसको भिगो देती, 1 चम्मच ओट्स को मैं भिगा देती थी। भिगोने के बाद में उसको मैं कुक करती थी, कुक करके उसको भी मैं छन्ना में छान के, आप लोग चाहे तो ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैं उस टाइम में ग्राइंड नहीं करती थी, मैं छन्ना में ही छान के उसको खिलाती थी। मैं प्रॉपरली 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक मैं उसको 90% टाइम में मैं उसको प्योरी ही खिलाई हूँ, क्योंकि उस टाइम में उसका टीथ तो निकला निकला नहीं था।
तो मैं उसको प्योर ही खिलाती थी। जैसे फ्रूट्स वगैरह में मैं एप्पल, बनाना और अंगूर, अंगूर का उसको जूस करके देती थी, और ऑरेंज, नाशपाती, ये सब मैं उसको खिलाती थी। मतलब कुछ जो जूस वगैरह बन सकता है मौसमी का, तो उसको मैं पिलाती थी। 6 मंथ जैसे ही शुरू हुआ, उस टाइम में मैं प्रिफर करती थी सेरेलैक्स का। सेरेलैक्स मैं बहुत, मेरा अपना बेटा को दी हूँ। पहले तो 6 मंथ का लाई, देन सुबह में सेरेलैक्स देती थी, देन शाम को मैं 2 टाइम सेरेलैक्स उसको खिलाती थी। क्योंकि सेरेलैक्स में बहुत सारा, मैं खुद एक्सपीरियंस की हूँ, उसको मैं बता रही हूँ। 6 मंथ में जैसे सेरेलैक्स में लाती थी, सुबह में एक बार, शाम को एक बार, मैं 1 स्पून उसको घोल के मैं देती थी। क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इसलिए 1 स्पून से 2 स्पून, बस इतना ही मैं उसको बना के उसको खिलाती थी सुबह शाम। देन बीच में आपको कुछ भी बनाना मैश करके, जैसे हो गया, उसको भी मैश करेंगे, मैश करके उसको भी मैं छान देती थी प्योरी। मैं आप लोगों को जैसे बता रही हूँ कि मतलब मैं 6 मंथ से लेके 12 मंथ तक मैं टोटली उसको प्योरी ही खिलाई हूँ। बनाना को भी छान देती थी, उसका जो प्योरी निकलता था मैं उसको खिलाती थी। एप्पल को मैं डायरेक्ट नहीं खिलाती थी, उसको मैं छील के उसको बॉईल कर देती थी, बॉईल करके उसको भी छान के मैं खिलाती थी। एक्स्ट्रा बाहर का बोलने से मैं सत्तू लाई थी, एक फूड कुंज का सत्तू होता है जो मैं सुपर मार्केट से लाई थी, तो उसको मैं खिलाना स्टार्ट की थी। सब बोलते हैं कि घर में बना के खिलाओ, तो मैं उस टाइम में देव के पापा लाए थे, तो मैं उसको खिलाने स्टार्ट की, तो वो अच्छे से वो रिसीव करने लग गया। मैं देखी डाइजेस्ट हो रहा है, तो मैं उसको प्रॉपरली उसको खिलाई। देन दोपहर में ज़्यादातर मैं प्रिफर करती थी खिचड़ी का, बस 2-3 चम्मच उसको खिला देती थी। कभी कभी नहीं खाता था, और कभी कभी खा लेता था अच्छा से। देन मसाज तो मैं ऐसे ही 1 साल तक मैं प्रॉपरली 2 टाइम ही करती थी। मसाज ऑयल में क्या यूज करती थी, मैं कोकोनट ऑयल, जो पतंजलि का कोकोनट ऑयल ऑयल है, वही मैं उसको यूज करती थी। और उसके अलावा ना कोई सरसों तेल, ना ही और अदर कोई ऑलिव ऑयल में कुछ भी यूज नहीं की हूँ, बस कोकोनट ऑयल से ही मसाज करती हूँ। और शैम्पू के बारे में या साबुन के बारे में बात करूँ, तो मैं जन्म से लेकर 6 महीना तक ममाअर्थ का सोप यूज करती थी, और शैम्पू में ममाअर्थ का ही करती थी। देन 6 मंथ्स के लेके 12 मंथ तक मैं अभी अभी चेंज कर दी हूँ। जैसे कि मैं अब सोप यूज़ नहीं करती हूँ, सोप मैं 6 मंथ से उसको बंद कर दी हूँ। एक जॉनसन बेबी का टॉप टू टॉय शैम्पू और उसमें बॉडी वॉश आता है, वो कॉम्बो रहता है, तो मैं उसी को यूज़ करती थी से 6 महीना से ही स्टार्ट की हूँ। और बॉडी लोशन बोले तो मैं सेटाफिल का यूज़ करती हूँ आज तक। आप लोग चाहे अपना अपना हिसाब से जो कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं क्या अपना बच्चे के साथ में एक्सपीरियंस की हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ना कि मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे ही फॉलो कीजिए, मेरा अनुसार आप लोग बच्चों को केयर कीजिए। आप अपना हिसाब से डॉक्टर से पूछ के, अपना बड़ों से पूछ के आप अपना बच्चों को केयर कर सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाई हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, थोड़ा सा हेल्प हो जाए, मैं कैसे केयर करना है बोल के। क्योंकि बहुत मम्मीज आज के ज़माने में अकेले रहते हैं, वो लोग भी यूट्यूब और गूगल्स वगैरह सर्च करते हैं, तो इसीलिए मैं ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ताकि जो न्यू कॉमर्स मम्मी हैं उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। सो फ्रेंड्स, 0 से 12 मंथ का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, और मेरा मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैं क्योंकि मोबाइल से ही एडिट करती हूँ। मैं आज का वीडियो में जन्म से लेके 6 महीना तक का वीडियो ही अपलोड कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग 6 महीना से लेके 12 महीना तक का आप लोग जर्नी देख सकते हैं। अगर आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आप लोगों को पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।